फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आप कैसे मार्केट की महंगी महंगी बीबी क्रीम्स और फाउंडेशन को अवॉइड कर सकते हो और घर में खुद के लिए बीबी क्रीम एंड फाउंडेशन बना सकते हो। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है क्या? अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, न्यू चैनल स्टार्ट किया प्लीज़ सपोर्ट करना। और वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना कैसा लगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम मार्केट से कुछ इस तरीके की महंगी महंगी क्रीम खरीदते हैं जो मैंने खुद ने खरीदी थी। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को यहाँ नहीं बोल रही हूँ, मैं हर ब्रांड के बारे में हम बात कर रही हूँ। तो बहुत महंगी महंगी आती है, नहीं 300 से 400, और अगर आप और अच्छा ब्रांड ढूंढते हैं तो 500-600, इसका प्राइस बढ़ता ही जाता है। तो आज मैं बताऊँगी कि आप कैसे 100 से 150 के बजट में अपने लिए क्रीम बना सकते हो। ये वाली जो क्रीम होती है ना, ये चलती है ऑलमोस्ट 1 महीना, चल गया बहुत हो गया। पर जो क्रीम मैं बताऊंगी वो आपको 5 से 6 महीने चलेगी। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, मैं बताती हूँ हम इसमें यूज़ क्या करने वाले हैं, कितनी चीज़ें और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं इसमें फेयर एंड लवली क्रीम। इसके बारे में हम सबको पता है कि बहुत ईजीली आपको किसी भी जनरल स्टोर या कॉस्मेटिक स्टोर या कहीं भी मिल जाएगी। इसको डालने से तो हमारी जो क्रीम है उसमें कंसिस्टेंसी मिलेगी, फेयरनेस मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी, और ये हमारी स्किन को एक ब्राइटनेस भी देता है जैसे हम सबको पता है। तो फेयर एंड लवली इसलिए हम इधर पे यूज़ करने वाले हैं, ये हमें इंस्टेंट ग्लो देगा। जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से क्या होगा, एलोवेरा जेल वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हम सबको पता है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अगर आपको पिंपल, एक्ने या स्किन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो ये उसको भी दूर करेगा और आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको एक हेल्दी स्किन प्रोवाइड करेगा और एक अच्छा मॉइस्चराइज भी करेगा। सो ये हम एलोवेरा जेल की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है गुलाब जल। तो मैं यहाँ पे डाबर गुलाबरी गुलाब जल यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी गुलाब जल जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल फ़िल्टर का पानी जो हम पीते हैं, फ़िल्टर वाला, ध्यान रखिएगा वो यूज़ करना। और कोशिश करना एलोवेरा जल पतंजलि का ही यूज़ करना, क्योंकि ये थोड़ा ऑर्गेनिक होता है तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। या खादी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे गुलाब जल लेंगे। गुलाब जल के फ़ायदे क्या है मैं आपको ये बता दूँ। गुलाब जल जो है ये नेचुरल टोनर की तरह काम करता है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा टोनर भी यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस आपको एक अच्छी क्रीम में कंसिस्टेंसी देगा, एक ग्लो देगा, और आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगा एंड सिल्की स्मूथ क्रीम को भी बनाएगा और आपकी स्किन को भी बनाएगा। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे फेस लोशन। अगर आपके पास फेस लोशन नहीं है, वैसे तो ये बहुत इजीली किसी भी शॉप में, कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाता है, पर अगर ये आपके पास नहीं है ना तो आप बॉडी लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो हमारे पास होता ही है, फेस मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे स्किन को एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन मिल जाए और एक अच्छे से कंसिस्टेंसी भी मिल जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे मॉइस्चराइजेशन के लिए मॉइस्चराइज़र या फेस लोशन या बॉडी लोशन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है पैनकेक। मैं ओलिविया का पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। आपको पैनकेक तो वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पैनकेक की बात कर रहे थे। तो जो पैनकेक है ये एक मेकअप प्रोडक्ट है जो आपको किसी भी इजीली कॉस्मेटिक शॉप में या ऑनलाइन मिल जाएगा। या मैं ओलिविया का पैनकेक यूज़ कर रही हूँ, आप अगर कोई और ब्रांड का भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। पैनकेक एक्चुअली एक मेकअप प्रोडक्ट है। ये आप फाउंडेशन की जगह अगर यूज़ करना चाहते हैं या आप स्किन को थोड़ा ब्राइट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है एकदम बहुत हैवी मेकअप फील नहीं देता, जैसे फाउंडेशन जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत हैवी मेकअप फील दिखता है। ये आपको लाइट मेकअप फील देता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं दिखाता और एक लाइट फील देता है और एक ब्राइट स्क्रीन भी दिखाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी फेयर स्किन है तो आप 21 या 19 नंबर का पैनकेक लें। इसमें नंबर्स आते हैं तो आप वाला पैनकेक लें। अगर आपकी स्किन मीडियम टोन में है तो आप 22 या 23 वाला लें, और अगर आपकी स्किन बहुत डार्क है तो आप 25 या 26 वाला ले सकते हैं। आपकी स्किन के हिसाब से आप ये ले सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पैनकेक होते हैं जो मैं स्पेशली वाला यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ होते हैं। तो जैसे अगर आपने मेकअप किया और गलती से पानी आने भी लग गया है
तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इन सब आइटम्स को यूज़ करके कैसे अपने लिए घर में क्रीम बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेयर एंड लवली, तो मैं उसको यहाँ पे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे मैं थोड़ी सी बना के बता रही हूँ, आप इकट्ठी बना सकते हो 5-6 महीने के लिए अगर आप, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप जैसे इकट्ठे 5-6 महीने के लिए बनाना चाहते हो तो आप एक ट्यूब को पूरा बड़े वाले ट्यूब को यूज़ करेंगे तो 2-3 महीने का आराम से बन जाएगा। तो आप 2 ट्यूब यूज़ कर लीजिए अगर आप इकट्ठा 5 या 6 महीने का बना रहे हैं। इसमें हम डालने वाले हैं एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल भी डाल दिया। एलोवेरा जेल डालने के बाद मैं डालने वाली यहाँ पे फेस मॉइस्चराइजिंग लोशन। मैं बार बार बोल रही हूँ अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फेस मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन भी ले सकते हैं, बॉडी लोशन तो सभी के पास होता है। मैं यहाँ पे ये डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना। फिर हम यहाँ पे ले रहे गुलाब जल, गुलाब जल बहुत थोड़ा सा डालने वाले हम यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो हम गुलाब जल को यहाँ पे पैनकेक के साथ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पैनकेक को ले लीजिए अलग कुछ कंटेनर में, जैसे मैं क्रीम बना के इसी में रखने वाली हूँ तो मैं यही ले ले रही हूँ। अगर आप कोई कटोरी या बाउल कुछ यूज़ करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से पैनकेक को निकालने का ये भी आ जाता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पैनकेक को यहाँ पे डाल ले रही हूँ निकाल के, जितनी इसकी थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए तो थोड़ा ही गुलाब जल हमें यहाँ पे लगेगा। तो मैंने यहाँ गुलाब जल भी ऐड कर लिया और अब मैं गुलाब जल और ये पैनकेक को एक अच्छे से मिक्स कर देने वाली हूँ। थिक सी कंसिस्टेंसी मिल जाए, इतने ही गुलाब जल डालना, बहुत सारा गुलाब जल आपको नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा पैनकेक और गुलाब जल जो है ये मिक्स हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा पैनकेक जो है ये मैंने पूरा गाढ़ा कर लिया और अब हमने जो बाउल में, तो हमारे बाउल में जो इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाए थे इसी में मैं पैनकेक को ऐड कर दे रही हूँ। ये ग्लोई लुक देगा प्लस एक कलर भी दे देगा, और जो थोड़ा बहुत लगा है वो आप इसमें, वो जो बेस्ट है आप जिस कंटेनर में क्रीम रखने वाले उसी में करो मैं तो क्या होगा। एंड इन सबको अब हम देखेंगे, आप ऐसे मिक्स कर देंगे, देखना बिल्कुल मार्केट की बीबी क्रीम वाला कलर कंसिस्टेंसी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप देख रहे हो बहुत अच्छी एक मार्केट वाली जो कंसिस्टेंसी होती है वो आ गई है। मैंने इसको मिक्स कर लिया, कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो मार्केट वाला होता है वो आ गया। अब मैं इसको अपने हाथों में आपको लगा के बताती हूँ कि एक्चुअली लगती कैसे हाथ में लगने के बाद। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा जो ग्लो प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल मार्केट वाले जो बीबी क्रीम प्रॉब्लम होता है ना वो। अब आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाले हाथ जो मैंने लगाया कितना डिफरेंस आ गया, मतलब जो मार्केट वाली बीबी क्रीम होती है ना वो भी फेल है इसके सामने। तो आप देख सकते हो कितना ब्राइटनेस आ गई है, मतलब ये हाथ और ये हाथ लग ही नहीं रहा किसी एक का स्नान कर। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, आप इसको एक कंटेनर में, मैं इसको अभी डाल दूँगी इसी में, आप स्टोर करके रख सकते हैं इसको, आप आराम से स्टोर कर सकते हो 5-6 महीने के लिए और बहुत सारी एक अच्छी खासी क्वान्टिटी में बना कर रख सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना, आप लोग वीडियो देख लेते हो आपको पसंद आ जाता है आप ट्राई भी कर लो तो लाइक नहीं करते हो, आप लाइक नहीं करते तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ टीनेज स्किन केयर रूटीन, आपकी पूरी स्किन केयर रूटीन में बताने वाली हूँ आपको कैसे अपनी स्किन को अच्छा बनाना है, तो बिल्कुल वीडियो मिस मत करना और वो वीडियो भी देखना और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।